अध्यक्ष जी और सभी हमारे उपस्थित हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक सफलता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की कि जब जब ऐसा मौका आता है देश के सवाल पर तो तंत्रगत भावना से हट करके सब देश के सवाल पर उठाते हैं। कई बार ऐसा मौका आया है और आज हमें जो खुशी इसी से है कि आज सारे के सारा देश बैठा हुआ है, कोई तंत्रगत भावना से नहीं, और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के एक कोई एक जुया दो तीन कोई भी विषय हो और वह एक बेहतर होना चाहिए। उस बहस में यही है कि देश का सवाल, आपने देखा कि जब जब आया है चुनौती आई है देश के सामने कई बार, लेकिन सब दरगाह पर से हट करके सब देश के साथ खड़े हो गए और उसी की सफलता है। तो इसलिए आज मुझे खुशी है, कोई दलित भावना नहीं है, सब देश के सवाल पर बोल रहे हैं, मानवता के सवाल पर बोल रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर के एक बात खुशी है, जैसे आज कई महंगाई का सवाल है, कई भ्रष्टाचार का सवाल है, कई ऐसे सवाल हैं, उन्हें सब में हिंदुस्तान सफल हुआ है, सबको लेके चला है। आप जैसे युद्ध का आया मौका तब भी पूरा देश खड़ा हो गया, अभी भी थोड़े दिन पहले ऐसा सवाल आया कि पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। हमने देखा लोकसभा के अंदर कैसे सवाल पर पूरा का पूरा देश खड़ा हो गया, कोई भी अपन अपने दल के आधार पर नहीं। और आज मुझे इसीलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबने बोल लिया है, मुझे एक ही बात खुशी हुई है कि आज सब पूरा देश बैठा हुआ है, कोई भी किसी सब एक है, इस सवाल पर सब एक है। तो मैं रामपाल को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें सभी लोग बैठे हुए, सभी खुश हैं, सभी प्रसन्न हैं और सभी अब तीसरे से बहुत अच्छा क्या बोला है लोगों ने, अच्छा बोला सबने। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज देश का सवाल है तो सब एक हैं, उनके साथ साथ जो समस्या है चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, इस सवाल को लेके आज हमारा देश एक साथ है। मैंने देख लिया लोकसभा में जब बहस हुई है तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरीके एक सुर से समय करते हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं, इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता है। आज आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है, बहुत बड़ी पहचान बन गई। जब मैं गया था अभी जब उनके दौरे पर तो वहां जाकर के हमें बुलाया गया, जब बुलाया गया वहां पर तो जब मैं बोला तो मैं नहीं सोचता था कि इतना मेरा स्वागत होगा, सबने दलों ने स्वागत किया और लोकसभा में आप पढ़ेंगे कार्रवाई में सबने हमारा स्वागत किया, तो मैंने सोचा। और आज इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है, आवाज आपको हिंदुस्तान के विकास को कोई रोक नहीं सकता है,
आगे चल करके हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में नंबर एक पे होगी कि आज ऐसी कहीं एकता नहीं। जैसे सबसे पर हम सफेद रामपाल यादव महोत्सव जो है उनको धन्यवाद देते हैं। रामपाल भी भाई है, ऐसा नहीं कहना चाहते, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पढ़े लिखे तो ये समझते से पहले कि हम लोग जो हैं वो निरक्षर हैं। अब ये निरक्षरता है क्या? देखिए जो पूरे का पूरा क्या हाल है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब एक देश के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए हम आपना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के सवाल को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी ऐसा संकल्प हो वो संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े, जिससे आज के कार्यक्रम की सफलता सब हो देश के सामने। यही शब्दों के साथ जो भाषण तो सब दे ही गए, अब क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे क्या? जो सबने भाषण दिए, एक होके वार्ता दिया समय, कोई किसी के खिलाफ नहीं और सबके साथ मिलकर के जो आज दिखाई दे रहा है, इसी तरह हम लोग एक रहेंगे और देश का विकास रोके नहीं सकते। आप देखेंगे अभी यहाँ कलकत्ता में बहस हुई, कलकत्ता के लोगों ने ये वहां तारीफ की है आपके देश की और आपके विशेषकर उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ, समय हो गया है, सब वक्ताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से कोई और कोई कार्यक्रम रखिए जहाँ में सभी दल के लोग इकट्ठा होकर बोल सकेंगे, अपनी भावना के साथ प्रस्ताव करेंगे। हम एक हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे देश के सवाल पर कोई भी एक रहा है हिंदुस्तान। इसलिए आज यह हम आपको दौरा करके मैंने देखा है, याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा महत्व है। उत्तर प्रदेश का महत्व इतना है, जहाँ जाते हैं उत्तर प्रदेश का सुन करके हमें मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़कर के जो काम किया है उतना देश में किसी काम नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो आपने कार्यक्रम किया है रावपाल अमृत महोत्सव, उन सभी में जितने लोग हैं और जितने लोग यहाँ आए हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अवसर पर कोई और कार्यक्रम रखना तो सभी साथ एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।